राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंची है और राजभवन में एक कार्यक्रम था जिसको लेकर द्रौपदी मुर्मू राजभवन पहुंचकर उस कार्यक्रम में शिरकत भी हुई थी। इस बीच आदिम जनजातियों का समूह आज द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए पहुंचा था। हम इन्हीं से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ बातें हुई और द्रौपदी मुर्मू ने क्या कुछ इन्हें कहा है। आप लोग आज मुलाकात करने के लिए पहुँचे थे द्रौपदी मुर्मू से, क्या कुछ बातें हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा? हम लोग, मैं रामजीवन आहड़ी मालपाया पहाड़िया समुदाय से हूँ, दुमका जिला से। हम लोगों ने सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम लोगों को उनसे मिलने का अवसर मिला। दूसरी बात है कि हमारे जो क्षेत्र में हमारे समुदाय की जो समस्या है, रोजगार से लेकर स्वास्थ्य, रोड, पढ़ाई, इन सारे समस्याओं को हम लोगों ने रखा और इन सारे समस्याओं के सुधार के लिए बात कहा, स्वास्थ्य के लिए अच्छी व्यवस्था करने के लिए कहा, शिक्षा के क्षेत्र में और आवासीय विद्यालय खोलने के लिए हम लोगों ने मांग रखी। सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने हमारे बातों को पूरे झारखंड में सारे लोगों से बात करने के बाद उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि नवोदय जैसे विद्यालय में हमारे बच्चे कंपटीशन में नहीं हो पाते हैं, इसलिए नवोदय जैसे विशिष्ट शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण के तहत बच्चों को पढ़ाई का सुविधा मिले। और एक बात कहना चाहता हूं, बड़ी खुशी हुई कि हमारे जो तेजस्वी मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, उन्होंने कहा राष्ट्रपति के सामने कि सिद्धू नियुक्ति इन लोगों के लिए चलता है और आगे की चलने की उन्होंने आसार जताए हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और भी कई लोग हैं, क्या बोली द्रौपदी मुर्मू जी? आप लोग तमाम समस्याओं से अवगत करवाए हैं, ये भी बताए हैं कि आवासीय विद्यालय बनना चाहिए, क्या बोली? हाँ, बोली कि सारे समस्या से हम अवगत हुए और हम बुलाए, अभी आए तो हम लोग बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। तो हम और जो जिनको बोला कि घर नहीं मिला है कि ज़मीन नहीं है, उसके लिए भी जिसका नहीं है उसके लिए भी व्यवस्था किया गया है सरकार से, वो सारे प्रधानमंत्री आवास, बिरसा आवास, ठीक है, उसमें अम्बेडकर आवास जो भी है, सारी चीज़ मिलने की वो एक ही मैंने बात कही। जल जंगल जमीन को भी लेकर आप लोगों ने अपनी बात रखी है, क्या कुछ उन्होंने कहा? जल जंगल जमीन के विषय में जो बताए अवगत हुए और उस तरह का मार्केट मैंने होने का भी बताए कि नहीं, हम लोग का जो है सो वो मार्केट उपलब्ध कराएंगे उसी जगह पर। आप लोग जी संतुष्ट हुए? संतुष्ट हुए जी। जी क्या क्या बातों को रखा? जैसे जल जंगल जो हम लोगों का मुख्य पैसा है उसको संरक्षण करने के लिए हम लोग आगे हैं और इसी आशा के साथ महामहिम राष्ट्रपति ने हम लोगों को समझाया कि हम लोगों को कैसे रक्षा करना है और इतना ही कर्म करना। तो तमाम जो लोग हैं आपने सुना कि इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि कई समस्याओं को हम लोगों ने उनके समक्ष रखा और द्रौपदी मुर्मू ने स्पष्ट रूप से कहा है कि तमाम चीज़ें मैं सुनी हूँ, पहल भी करूँगी, जैसे आवासीय विद्यालय के साथ साथ सड़क, जल, जंगल, जमीन की बातें इन्होंने द्रौपदी मुर्मू के समक्ष रखी और उनका कहना है कि मैं ज़रूर इसको लेकर वार्ता करूँगी, सोचूंगी और इन लोगों की जो भी मांगे हैं उसको पूरा भी करूँगी। फिलहाल मुझे दे इजाज़त, सहयोगी के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।